हे दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो बिहार पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है पटना के कुख्यात गैंगस्टर शंकर यादव का। इस पर हत्या, लूट और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2019 में जमानत पर बाहर आने के बाद इसने बुद्धा कॉलोनी इलाके में रवि नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से यह फरार चल रहा था। इसी वजह से बिहार पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। बिहार एसटीएफ लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच फरवरी 2022 में पुलिस को सूचना मिली कि यह उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में छुपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ ने इसे मुगलसराय से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर विकास सिंह का। इस पर 3 हत्या समेत कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने मई 2017 में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार के डॉन बबलू देवी की बेतिया कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। दरअसल वर्ष 2016 में विकास सिंह ने बबलू दुबे के साथ मिलकर नेपाल के कारोबारी का अपहरण कर 10 करोड़ का सोना वसूला था, लेकिन बबलू दुबे ने इस 10 करोड़ को अपने साथियों के साथ नहीं बांटा। इसी वजह से विकास सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। कई महीनों तक फरार रहने के बाद अगस्त 2018 में विकास सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर अमित सिंह का। इसने वर्ष 2017 में बिहटा के सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसी केस के सिलसिले में पिछले कई सालों से पटना के बेऊर जेल में बंद था। इस पर झारखंड के देवघर में भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी वजह से जून 2022 में इसे पटना के बेऊर जेल से देवघर पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर अमित सिंह की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पता चला कि बेऊर जेल के जेलर ने पटना के स्थानीय अदालत से इसके डिपार्चर की परमिशन भी नहीं ली थी। अमित सिंह की हत्या के बाद देवघर पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि अमित सिंह के हत्यारों और पटना पुलिस के एएसआई और सिपाही के बीच मिलीभगत थी। एएसआई और सिपाही ने अमित सिंह की सारी जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। इसके बाद उस एएसआई और सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दूसरी तरफ देवघर पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद पटना के एसएसपी ने अमित सिंह के साथ गए सभी 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। आगे चलकर यह भी पता चला कि इस हत्या की वारदात को पटना के ही बाप बेटा गैंग ने अंजाम दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कोसी के डॉन पप्पू देव का। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने वर्ष 2001 में मुजफ्फरपुर के सब रजिस्ट्रार नारायण सिंह का अपहरण किया था। इसके अलावा इस पर पारू व कटारा के सब रजिस्ट्रार की हत्या का मामला भी दर्ज था। इन 2 वारदातों के बाद इसका नाम चर्चा में आया था। इसके बाद इसने नेपाल के एक बड़े व्यापारी का अपहरण करने के बाद मोटी रकम फिरौती के रूप में वसूली थी। इसे वर्ष 2003 में 50 लाख के जाली नोटों के साथ नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह बाहर आ गया और वारदातों को अंजाम देने लगा। दिसंबर 2021 में अपने साथियों के साथ भागलपुर शहर के एक मोहल्ले में जमीन पर कब्जा दिलाने आया हुआ था, पर जैसे ही पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई यह अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पप्पू देव के घर पर छापेमारी की, पर यह वहां भी नहीं मिला। वहां मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद इसका पता चला और इसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात 2 बजे पप्पू देव ने सीने में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद इसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक का। इसने वर्ष 2003 में आपसी विवाद की वजह से अपने चचेरे भाई की हत्या कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसी केस के सिलसिले में इसे वर्ष 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद इसने दिसंबर 2010 में अपने साथियों के साथ मिलकर महसी पंचायत के मुखिया के पति चुन्नू ठाकुर की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद गुस्साए गांव वालों ने मुकेश पाठक के घर को आग लगा दी। हालांकि उस समय घर पर कोई नहीं था। इस घटना के बाद मुकेश पाठक कई दिनों तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन जनवरी 2012 में इसे तथा संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इसे सीहोर कारागार में रखा गया था, जहां इसकी मुलाकात बिहार की लेडी डॉन पूजा से हुई। जल्द ही दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं और अक्टूबर 2013 में दोनों ने जेल के अंदर ही शादी कर ली। शादी के 1.5 साल बाद जुलाई 2015 में मुकेश पाठक ने जेल कर्मियों को नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया था। इसके बाद इसने वर्ष 2016 में दरभंगा के 2 इंजीनियरों की रंगदारी न देने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन हत्याओं के आरोप में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा इस पर वर्ष 2018 में कोर्ट के अंदर ही गैंगस्टर संतोष झा की हत्या कराने का मामला भी दर्ज है। फिलहाल यह जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर आदित्य तिवारी का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जाधोपुर में सरेआम एक किराना व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर 20 लाख की रंगदारी मांगने और रंगदारी न देने पर क्लिनिक में फायरिंग करने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जनवरी 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है पटना के कुख्यात गैंगस्टर पंकज शर्मा का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट के 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2015 में एजी कॉलोनी में एक स्वर्ण आभूषण व्यवसायी पर गोली चलाई थी। इसके अलावा इस पर एक दूध कारोबारी की हत्या का मामला भी दर्ज है। इसने अक्टूबर 2017 में सुधा डेयरी के कलेक्शन एजेंट समीर कुमार को गोली मारकर 1,00,000 रुपए की लूट की थी। बिहार पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच दिसंबर 2017 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे राजीव नगर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने राहत की सांस ली थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर बबलू दुबे का। इस पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। मई 2017 में जब इसे पश्चिमी चंपारण के बेतिया सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसी समय बदमाशों ने गोलियों से भूनकर इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या को पैसे के लेनदेन की वजह से अंजाम दिया गया था। दरअसल बबलू दुबे ने राहुल अकुणाल के साथ मिलकर नेपाल के एक व्यवसायी का अपहरण किया था। अपहरण के बाद रिहाई में मिले पैसे को बबलू दुबे ने किसी के साथ बंटवारा नहीं किया, इसी वजह से राहुल अकुणाल ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा का। इसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत नक्सली कमांडर गौरी शंकर के साथ की। उन दिनों गौरी शंकर का इलाके में काफी वर्चस्व था और संतोष झा इसका सागिर्द बनकर इलाके में वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी बीच वर्ष 2004 में इसे केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल तक जेल में रहने के बाद जब यह जेल से बाहर आया तो इसने गौरी शंकर गैंग से अलग होकर खुद की गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। लेकिन एक ही इलाके में दो गैंग होने की वजह से संतोष झा गैंग और गौरी शंकर गैंग में दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसी दुश्मनी की वजह से एक दिन मौका देखकर संतोष झा ने गौरी शंकर और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। गौरी शंकर की हत्या के बाद इलाके में संतोष झा का एक तरफा राज हो गया। इसका आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा था कि सिर्फ उत्तरी बिहार में इस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2014 में बिहार एसटीएफ ने संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया था। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ। जेल में रहते हुए इसने रंगदारी न मिलने पर 2 इंजीनियरों की हत्या करवा दी थी। इस हत्या के आरोप में संतोष झा के खास आदमी मुकेश पाठक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर संतोष झा मुकेश पाठक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 2018 में मुकेश पाठक ने संतोष झा की हत्या करवा दी थी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो टॉपिक नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद।